All right, Sambhav, thank you so much for joining us with those details. And we shift our focus to a breakthrough in the Baba Siddiqui murder probe. The UPSCF has arrested key accused in Barek. Main accused Shiva and his aide were trying to flee to Nepal, is what we're learning. The accused have been handed over to Mumbai police, which is now, of course, en route Maharashtra with the accused. My colleague Javed with us on the broadcast. Javed, big breakthrough in the Baba Siddiqui case. The main accused, we've been told, has now been caught. Take our viewers through the details. We've also learned that the main accused was in fact in touch with Anmol Bishnoi, the brother of jailed gangster Lawrence Bishnoi. जी देखिए, और यूपी एटीएस और मुंबई क्राइम ब्रांच की ज्वाइंट ऑपरेशन में बाबा सिद्दीकी की हत्या, जो कि 12 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन की गई थी, उसके मुख्य आरोपी और शूटर शिव कुमार उर्फ गौतम को बहराइच के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त जब वो अपने एसोसिएट्स जो धर्मराज और गुरमेल, जो पहले मौके से पकड़े गए थे जो शूटर थे, उसके भाई अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश और अखिलेश प्रताप सिंह के साथ इनसे गिरफ्तार किया गया। बेसिकली जानकारी के मुताबिक जो शिवा है वो नेपाल भागना चाहता था, और ये अनुराग जो कि धर्मराज कश्यप जो शूटर उसका भाई है, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश और अखिलेश प्रताप, ये इसे मदद कर रहे थे 12 अक्टूबर के बाद से छुपे रहने में, और कहीं ना कहीं से पूरी तरह से शेल्टर दे रहे थे। मैं आपको बता दूं कि 12 अक्टूबर की हत्या के बाद से भीड़ में जिस तरीके से गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके वहां से पकड़ लिया गया था, उसके बाद से शिवा जो है वो वहां से मौके से फरार हो जाता है। उसके बाद वो अपने फोन को भी रास्ते में फेंक देता है। मुंबई से वो सीधा पुणे पहुंचता, पुणे के जरिए फिर वो झांसी, और झांसी के बाद लखनऊ, और लखनऊ के बाद फिर वो बहराइच। इस बीच वो लगातार फोन को इस्तेमाल नहीं कर रहा था, और जानकारी ये है कि तकरीबन पूरी तरीके से जो ये प्लानिंग हुई थी, ये मोहम्मद यासीन जो कि जलंधर का रहने वाला पंजाब का, और शिव शुभम लोंगकर जो कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को स्नैपचैट के जरिए शिवा से बात कराई थी। देखिए, ये जो पूरा एक प्लानिंग है, ये स्क्रैप के शॉप से पूरे बाबा सिद्दीकी तक पहुंचा था, इसको एग्जीक्यूट किया गया था, और इसमें एक लंबी रैकिंग की गई थी, और लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई ने इस पूरे मर्डर केस को, यानी कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस को लेकर पूरा एग्जीक्यूशन और प्लानिंग और स्ट्रैटेजी को तैयार किया गया था। इसमें फोन बाकायदा हायर किया, नया फोन इस्तेमाल किया गया था, सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया था, और 10 लाख रुपए की पूरी पेशकश की गई थी। हालांकि कुछ ही पैसे इन लोगों तक पहुंच पाया गया था, और पूरी तरीके से एक नेक्सस को डेवलप किया गया था, क्योंकि देखिए जिस तरीके से 19 लोग इस पूरे बाबा सिद्दीकी की हत्या में अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, तो उससे ये लगता है कि पूरा ये जो कॉन्स्पिरेसी है, ये पूरा एक तरीके से डेवलप किया गया था। फिलहाल यूपी एटीएस और मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिवा के साथ उसके 4 उन साथियों को गिरफ्तार कर लिया है जो शिवा को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। शिव और अनुराग कश्यप और धर्मराज एक ही गांव के रहने वाले हैं, और ये लोग एक स्क्रैप की दुकान में काम कर रहे थे, जहां पर इनकी दोस्ती शुभम लोंगकर से हुई थी। शुभम लोंगकर वो शख्स है जो कि जिसने क्लेम किया था बाबा सिद्दीकी की हत्या के अगले दिन ही, इस पूरे मर्डर केस में जो है लॉरेंस गैंग का जो इसमें हाथ है, और लॉरेंस गैंग का जो छोटा भाई अनमोल है, जो पूरे इस नेक्सस को अमेरिका से बैठकर जो हिंदुस्तान में तमाम जो क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा, और सलमान खान को लगातार टारगेट कर उस पर लगातार फायरिंग की अगर इंसिडेंट हो, या फिर उसके पिता को धमकी देने का मामला हो, या फिर पूरी तरीके से रैकी में पिछले साल ही संपत नेहरा को जब मुंबई भेजा गया था। ठीक है, इस पूरे मामले में हालांकि मुंबई क्राइम ब्रांच को एक कामयाबी मिल गई, लेकिन शुभम लोंगकर जो कि इस वक्त अभी फरार चल रहा है, उसको लेकर तलाश चल रही है। और इस पूरे मामले में जिस तरीके से अब तक 19 जो लोग हैं बाबा सिद्दीकी के हत्या में, जिसमें से 3 शूटर जो मेन शूटर थे, धर्मराज, गुरमेल और शिवा, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जिस तरीके से इस नेक्सस को पूरी जगह से प्लानिंग एग्जीक्यूट किया गया था, क्राइम ब्रांच को इसमें ये लग रहा है कि इसमें कुछ और लोग भी इस पूरे एग्जीक्यूशन में शामिल हैं, जिसको लेकर क्राइम ब्रांच अपनी पूछताछ कर रही। लेकिन पूछताछ में साफ हो पाया है कि शिवा ने बताया, शुरुआत में ही इनिशियल जब इन्हें बैरेज से नानापाड़ से पकड़ा गया, तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई थी, कितने रुपए की बात की गई थी, और किस किस तरीके से जो शूटर उनको हायर किया गया था, क्योंकि इसमें ज्यादातर वो शूटर हैं, बदमाश हैं, जो इस गैंग में अभी हाल में शामिल हुए हैं, और जिसे जो यासीन जो अख्तर है,
वो कहीं ना कहीं इस पूरे एग्जीक्यूशन को मेन लीड कर रहा था शुभम लोंगकर के साथ। और ये लोग चाहते थे कि एक बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर पहली प्लानिंग हो गई थी, और ये 12 अक्टूबर से तकरीबन कुछ महीने पहले इस पूरे एग्जीक्यूशन को तैयार कर लिया गया था। जी ओके ऑल राइट जावेद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट विद दोज डिटेल्स. वी लीव इट देयर एंड शिफ्ट आवर फोकस टू सम मोर ब्रेकिंग न्यूज़ कमिंग इन. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर.